ठीक गाइस, मैं अकेले सुर आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक अकेलेस। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीवो का T144W फोन में आप जेड फोन अप्लाई प्रॉब्लम गाइस सॉल्व कैसे करें। गाइस, अगर अपने फोन में जेड फोन के जरिए आप किसी भी फोन को फ्री में डाउनलोड करके अप्लाई करके अगर अपने फोन में फोन स्टाइल गाइस चेंज नहीं कर पाते हो, हम यहाँ से गाइस बिल्कुल आपको सेटिंग करके बताएंगे। आप यहाँ से अपने फोन में सेटिंग के जरिए किसी भी फोन को फ्री में डाउनलोड करके अप्लाई करके अपने फोन में फोन स्टाइल गाइस बिल्कुल चेंज कर सकते हो। गाइस, अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 12 या फिर एंड्रॉइड 11 का अपडेट आ गया तो गाइस आप अपने फोन में किसी भी एप्लीकेशन से फोन को गाइस फ्री में डाउनलोड करके अप्लाई करके अपना फोन स्टाइल गाइस चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम यहां से जो आपको बताएंगे अगर आपके फोन में कोई भी फोन को अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को गाइस कैसे सॉल्व करके आप अपने फोन में किसी भी फोन को अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन है जेड फोन में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने फोन में किसी भी फोन को अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, तो वीडियो को स्किप ना करना एंड गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए प्ले स्टोर गाइस ओपन कर लेना, आपको यहाँ पर जो कि डाउनलोड करना है जेड फोन 3 इमोजी एंड फोन चेंजर। ठीक है, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। एप्लीकेशन की रेटिंग काफी अच्छी 4.1 की और एप्लीकेशन 11 MB का, इसको 1 करोड़ लोग यूज करते हैं। तो हम देखिए एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। गाइस, हमने एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। यहाँ पे गाइस आपको एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद गैंड पे आपको गाइस क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। अलाउ पे क्लिक कर देंगे आपके फोन में यहाँ पे फोन खुल के ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको कलरफुल चाहिए या फिर नॉर्मल चाहिए, जो भी फोन आपको चाहिए यहाँ पे सभी फोन यहाँ पे खुल के ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कलरफुल है और यहाँ पे इमोजी भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको नॉर्मली फोन भी देखने को मिलेगा। आपको जैसा भी फोन चाहिए यहाँ पे सी आल पे गाइस क्लिक करेंगे आपको बहुत से स्टाइलिश फोन मिलेंगे, आपको जो भी डाउनलोड करना डाउनलोड कर सकते हो। हम देखिए इस एप्पल वाले फोन पे गाइस क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइस क्लिक किए तो हमारे फोन में कुछ आपको 5 सेकंड का ऐड आएगा तो आपके भी फोन में ऐड आएगा। ठीक है, यहाँ से ऐड को देखिए हम बैक करते हैं और यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन है, डाउनलोड पर गाइस हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई पर गाइस आपको क्लिक करना है। आपको ग्रेड स्टार्ट पे गाइस क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मिलेगा यूज दिस फोल्डर, यहाँ गाइस क्लिक करना है, आपको अलाउ कर देना। ठीक है, अलाउ करेंगे तो गाइस आपके फोन में यहाँ पे कैंसिल और ओके का ऑप्शन आएगा, आपको ओके पे क्लिक करना है तो आपके फोन में ये डाउनलोड होगा 15.9 MB का, तो ये गाइस डाउनलोड होगा। ठीक है, उसके बाद चल चुका तो देखिए डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फोन में वाईफाई कनेक्शन देना पड़ेगा। वाईफाई कनेक्शन देंगे तभी गाइस आप इसको चेंज कर पाएंगे, नहीं तो गाइस चेंज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको वाईफाई कनेक्शन इसमें देना पड़ेगा अपने फोन में। हम वाईफाई कनेक्शन देते गाइस दूसरे फोन से। ठीक है, तो दूसरे फोन से वाईफाई कनेक्शन देते उसके बाद और सेटिंग आपको बताते हैं। गाइस, तो हमने देखिए यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन दे दिया, आपको यहाँ पे ग्रेट स्टार्ट पे गाइस क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, यहाँ पे गाइस क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ आपको मिलेगा यूएसबी डोइंग का ऑप्शन। तो अगर आपके फोन में ऑफ है तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ऑन करेंगे आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन छोड़ के यहाँ पे इसको भी ऑन करना। ठीक है, अगर आपके फोन में ए बी सेटिंग ऑफ है तो आप इसको भी ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑलवेज पे क्लिक करके आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद इसी पे आपको गाइस लेफ्ट साइड में गाइस क्लिक करना है। लेफ्ट साइड के लिए गाइस क्लिक करेंगे आपको मिलेगा पेयर डिवाइस विद क्यूआर कोड और यहाँ पे आपको मिलेगा पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड। ठीक है, आपको कोड के जरिए यहाँ पे करना है, जो नीचे वाला है पेयरिंग कोड यहाँ पे गाइस इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 6 अंक का गाइस यहाँ पे कोड मिल जाएगा, इसी कोड को आपको एंटर करना पड़ेगा 83 87 25। ठीक है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे 83 87 25 83 87 25। यहाँ पे एंटर करेंगे तो गाइस और यहाँ पे एक एरो का निशान बन जाएगा, यहाँ पे गाइस क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइस क्लिक करेंगे और ये गाइस सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बैक आना है, फिर से आपको बैक आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऐड आएगा, ऐड को नहीं यहाँ पे गाइस आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको स्टार्ट पे गाइस क्लिक कर देना है, आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, यहाँ पे गाइस क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर नीचे जाके आपको इस सेटिंग को ऑफ करके इस सेटिंग को एक बार ही ऑन कर देना। ठीक है, ऑन कर देंगे और यहाँ से गाइस बैक आ जाना है। बैक आ जाएंगे और आपके फोन में ये गाइस फोन बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगा अभी और यहाँ से ऑटोमेटिक आपका फोन यहाँ पे बैक होगा और ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे जेड फोन ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो चुका है और यहाँ पे जो एप्पल का हम फोन डाउनलोड किए थे यहाँ पे लोकल का ऑप्शन बन के आ गया। यहाँ पर गाइस हम क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ऐड आएगा जब 5 सेकंड का, 5 सेकंड गाइस आपको ऐड को वॉच करके और यहाँ से गाइस बैक कर देना। ठीक है, बैक करेंगे आपको अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई पे गाइस क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपको चेंज फोन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे गाइस क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा कस्टम जेड फोन, यहाँ पर गाइस क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पर गाइस हम देखिए क्लिक कर दिए और यहाँ से गाइस अब हम देखिए डायरेक्टली बैक आ गए और हमारे फोन में कुछ लोडिंग ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए गाइस हमारा फोन स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। तो मैं एप्पल का फोन अपने फोन में लगाया तो एप्पल का फोन देखिए ऐसा देखने में आपको लग रहा है। तो अगर आपको फोन को चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो गाइस आप इस वीडियो के जरिए इस सेटिंग के जरिए अपने फोन में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके और किसी भी फोन को फ्री में डाउनलोड करके अप्लाई करके फोन गाइस अपना बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आई होप तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।